हेलो दोस्तों, तो आज मैं लेकर आया हूँ पत्थर चचा की आई हुई द ब्लैक एडम का रिव्यू। यार मूवी देखने के बाद डीसी वालों ने क्या क्या कांड करे है उसके बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा चैनल को तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर रही है कहीं होगा बटन यार, और लाइक भी करा कर यार, मजा आएगा। तो गाइस जैसे आप सबको पता ही होगा कि डीसी मार्वल और बॉलीवुड इन सब की अपकमिंग का तो हर किसी को अपडेशन पता ही होना चाहिए, क्योंकि यार अभी तक मार्वल इतना आगे चल रहा था कि यार हर किसी को ये था कि यार एंड ऑफ द गेम। लेकिन यार डीसी की सीरीज को इतना ज़्यादा कंसंट्रेशन नहीं करा जाता, क्योंकि अभी तक की पब्लिक ये कह रही थी कि डीसी रिटर्न करेगी। और अभी तक की डीसी की सबसे ज़्यादा सिनेमैटिक और सबसे ज़्यादा फैबुलस स्टोरी को इनमें काउंट किया जा रहा है इस मूवी को। लेकिन क्या लगता है कि ऐसी है? आपने अगर मूवी देखी है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या ये उस रिजल्ट की क्यूरियोसिटी क्रिएट कर रही है शायद, क्योंकि अभी तक जितने भी मूवी रिव्यूज है नेगेटिव ही दिए यार। और हाँ, मैंने जब लास्ट इसकी अर्निंग देखी थी तो $70 मिलियन तक की अर्निंग इनकी वर्ल्ड वाइड कवर अप हो चुकी है यार। देखिए स्टोरी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर था कि एक बच्चे का बदला लेने के लिए ये इंसान के अंदर इतनी ताकतें आ जाती कि वो सामने वाले की फाड़ देता है। लेकिन लिटरली आपने कभी ये नोटिस नहीं कराई है, यानी कि रियलिज्म के नाम पे, यानी हॉलीवुड तो एक रियलिज्म स्टोरीज को शो करता है ना यार। जैसे कि अभी मार्वल ले लो, मार्वल ने अपनी एवेंजर सीरीज निकाली थी तो एवेंजर्स में एंड ऑफ द गेम तक भी उन्होंने सिविलियंस का बहुत ध्यान रखा था कि सिविलियंस एट द एंड पर सबको पता था कि दुनिया खत्म होने वाली है और दुनिया खत्म होने के बाद दुनिया को बचाया जाएगा, क्लियर सेक्शन था। लेकिन इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं रियलिज्म को बहुत ध्यान में रखा गया। देखो मूवी रिव्यूज वाले मूवी देखने जाते हैं, क्यों देखने जाते हैं? ताकि हम इसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट नोटिस कर सकें। हमने ये देखा कि यार मूवी देखते देखते सिर्फ ढाई घंटा निकल गया, लेकिन फाइट ही नहीं खत्म हो रही। शुरुआत से लेके एंड तक हमें मुंह पे थपेड़े मारी जा रही कि यार मूवी के अंदर सिर्फ लड़ाई ही थी। सबसे बड़ी बात, क्लियर कॉन्सेप्ट था कि हमें पता था कि यार मिडल में आके आगे क्या होना है। थर्ड थिंग, इसमें जो वर्किंग सेंस था वो बिल्कुल ही, बस स्टोरी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर सा ही था यार। आपने बदला लेने के लिए किसी से किसी का रिवेंज लिया, आसपास रहने वाले लोगों को तुम बनाना की तरह फेंक रहे हो, भाई साहब कोई मतलब नहीं, बनाना भी इतनी दूर नहीं जाता। हाल ही फिलहाल मतलब स्टोरी को रियलिज्म की जगह एक कार्टूनिस्टिक शो करा गया, जैसे मैंने पिछले भी टीजर में बोला था। देखो पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें, जो छोटे छोटे कैरेक्टर्स थे उन्होंने बहुत अच्छा काम करा, यानी कि बाकी के जो 4-5 हीरोज थे उनका फोकसिंग बेशक कम था लेकिन उन्होंने काम बहुत ही अच्छा करा था। हालांकि मूवी का मेंटेनेंस उन्होंने ही बना के रखा हुआ था, और लास्ट और लीस्ट इसकी जो एक स्टोरी का जो पॉइंट, जो मिडल पॉइंट था, अगर आपने उसको मिस करते हो तो सब यही बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ खास था नहीं, ठीक था जो भी, लेकिन मैं उसको बताऊंगा नहीं ताकि आप मूवी देख कर आओ, क्योंकि मेरे लगे तुम भी लगाओ यार, इतनी अच्छी नहीं। बाकी हॉलीवुड के हिसाब की लेवल जो सिनेमेटिक हम डिजर्व करते हैं या फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि यार डीसी है ये ब्रो, वो नहीं लेकिन डीसी है वो ब्रो, यानी कि नेक्स्ट लेवल कंटेंट रखने वाली है। हर किसी को आज के टाइम में वो पता नहीं, लेकिन हॉटस्टार पे कब आ रही है मैं जरूर आपको ये बताऊंगा और कब आएगी। और लास्ट वाली इसमें इतना क्या होगा कि मूवी देखने का मजा तो आया सिर्फ उसी को जो फाइटिंग पसंद करता। भाई तुम साउथ की मूवी क्यों नहीं देखते? और हमारे लिए तो सिर्फ इतना ही था कि यार काश ये मूवी के अंदर थोड़ी सी स्टोरी लाइन और अच्छी होती, क्योंकि इसका पार्ट 2 भी आएगा यार, देखना तो जाएंगे हम और मजा भी आएगा, देखते कितना कुछ मजा था। हाल ही फिलहाल बहुत मेहनत करी गई है, साल के अंदर ओनर भी चेंज कर दिया गया और बहुत कुछ ऐसा है जो शायद हमें नोटिस नहीं करा, और वो नोटिसेबल है भी। जाओ और मूवी के अंदर नोटिस करो और देख के आओ और मुझे भी बताओ क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं। और अभी तक के लिए वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।